जिसकॉम की लापरवाही से आज शाम गुलबर्गा शहर में मिजगोरीगंज रोड पर आतिजनी का एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था, लेकिन मुकामी अवाम और फायर ब्रिगेड के अमले की वजह से यह हादसा टल गया। बर्की तारों में स्पार्क होने के नतीजे में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। 2 मिनट से भी कम वक्फे में आग कोको कोला के स्टोर रूम को अपनी लपेट में ले ली। मुकामी अफराद ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का पानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कोको कोला स्टोर रूम के मालिक दीपक पाटिल ने बताया कि आग की वजह से उनके गोदाम में 4-5 लाख का नुकसान हुआ है। कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हुआ। कोको कोला पीटी है स्टॉक को आग लगा। गवर्नमेंट का हाँ जसकम का जसकम उसके लाभ। हाँ, मुकामी अवाम और दुकानदारों का कहना है कि जसकॉम की लापरवाही से ये हादसा पेश आया। ट्रांसफार्मर से नज़्द वाक़े दरख्तों को काटा जाए तो बार बार बर्की तारों में स्पार्क की नौबत नहीं आएगी। अगर आग पर फौरी काबू नहीं पाया जाता तो करीबी ही वाक़े पेट्रोल पंप और दूसरे कई दुकानें आग की लपेट में आ सकती थीं। टीसी को स्पार्क होने के बाद क्या है मालूम है, सब थोड़े गिरते ही पूरा क्या है मालूम है, उसके बाद चालू हो गया। खाली विथ इन 2 मिनट में इतना बढ़ गया सब। बाजू क्या है मालूम है, पेट्रोल पंप है हमारे, पूरे लोग मिलके हैं, बच्चे मिलके पूरा पानी लिखा के पूरा हाथ पानी डाले सब पूरी अवाम मिलकर। हम मैं अवाम का शुक्र गुजार हूँ साहब, इतना बहुत हर कोई क्या मालूम है दिलचस्प हेल्प कर दिए पूरे के पूरे आके। आप लोगों से यही है कि भाई ये चीजें क्या है मालूम है, आप भी कंप्लेंट करो मीडिया के थ्रू के भाई जहाँ भी कहीं भी जस्कम के लाभ हो रही जो झाड़ा है पूरे वो कट के क्या मालूम है साफ हो जाए। तीसरे बैंक मोर गाड़ी नियर आर सी उसकी। गुलबर्गा से एटीवी न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस की रिपोर्ट। रमजान स्पेशल मेगा सेल विजयलक्ष्मी सिल्क सिटी सेंटर मॉल सुपरमार्केट गुलबर्गा। हैप्पी रमजान, हैप्पी शॉपिंग।